से लोगों को कंफ्यूजन है कि XUV 700 लिया जाए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो N लिया जाए, तो मैं आप लोगों को ना दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये कि मोनोकोक चेसी है और ये है लेड्रोन फ्रेम चेसी। ये कि हाईवे पे बहुत अच्छी है, वो 4x4 को लेके बहुत अच्छी गाड़ी है क्योंकि उसमें 4x4 आ रहा है और इसमें सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव का वाला वेरियंट आ रहा है। ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा, लेकिन एक बार के लिए इतना समझ लीजिए कि 4x4 इज़ गुड फॉर ऑफ रोडिंग। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना पर्सनली देखने के बारे में, तो आपको XUV 700 और स्कॉर्पियो N जब दोनों बराबर में देखोगे ना, तो भाई स्कॉर्पियो N आपके होश उड़ा देगी, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी है वो। और अगर आप वाइट इंटीरियर पसंद करते हो तो फिर आपको यही लेना चाहिए। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, फीचर ज़्यादा चाहिए, ADAS वगैरह चाहिए तो 700 ले सकते हो। लेकिन अगर एक बार आपने इसका इंटीरियर देख लिया जो कि ये ब्राउन कलर में है यहाँ पे, तो फिर आपका 700 लेने का मन नहीं करेगा मेरे हिसाब से, भाई मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ओके,